हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे UPNHM CHO एग्जाम 2021 और UPPSC स्टाफ नर्स एग्जाम 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में वीडियो पार्ट नंबर 11। और ये अभी तक का आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ये है आपका विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उस विटामिन के स्रोत क्या है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप इसको अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल कहते हैं। आप जितने भी रासायनिक नाम हैं सभी को ज़रूर याद रखिएगा और कन्फर्म आपसे एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, संक्रमण का खतरा रहता है और जीरोपथैल्मिया होता है आँखों का रोग। तो ये आपकी कमी से होने वाले रोग विटामिन ए की, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोपथैल्मिया। और नेक्स्ट हमारा है इसके स्रोत क्या होंगे, कहाँ से हमको मिलेगा? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, एकृत तेल। इससे क्या होगा? इससे हमको विटामिन ए मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी वन। बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्चें, बिना धुली दाल और एकृत यानी लीवर, अंडा और सब्जियां। ये सब चीज़ें इसके स्रोत हैं विटामिन बी वन के। और इसको खाने से हमारे जो बॉडी में क्या है इसकी पूर्ति होती रहेगी। नेक्स्ट हमारा है बी टू, राइबोफ्लेविन। बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये आपका हो गया विटामिन बी वन। सेकेंड है आपका विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जिह्वा का फटना यानी जीभ का फटना। ये किसकी कमी से है? विटामिन बी टू की। और इसके लिए है आपका खमीर यानी ईस्ट जिसे कहते हैं, जो कि ब्रेड में होता है ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीवर यानी कलेजी, मांस और हरी सब्जियां और दूध। ये क्या है? विटामिन बी टू के स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी थ्री। इसका इसमें थोड़ा सा स्प्रिंट आपका हो गया है और इसको समझ लीजिए। जो बी थ्री है इसको क्या कहेंगे? बी थ्री है आपकी निकोटिनोमाइट। निकोटिनोमाइट कहते हैं या नियासिन कहते हैं, ठीक है। बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। नियासिन है और दूसरा इसको निकोटिनोमाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सुधार कर लीजिए, बी थ्री को नियासिन या निकोटिनोमाइड कहते हैं। और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। और इसके स्रोत क्या? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, ठीक है। और जो आपका बी फाइव है ये होगा आपका पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो बी फाइव है ये हो गया आपका और बी थ्री ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिसप्रिंट होके उल्टा हो गया है। तो बी थ्री होगा निकोटिनोमाइड या नियासिन और बी फाइव होगा पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। मैंने एरो बना दिया, आप लोग समझ लीजिए। इसकी कमी से पेलाग्रा, त्वचा, दांत या 4D सिंड्रोम होता है। और इसकी स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पे हम। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। सारे रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। इसके लिए लीवर यानी यकृत, मीट और अनाज, ये सब चीज़ें होनी चाहिए इसके स्रोत। नेक्स्ट है B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। और इसकी कमी से क्या होता है? लकवा यानी पैरालिसिस, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की। उसके स्रोत क्या है? मांस, अंडा, एकृत और दूध होता है इसके, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है आपका साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन, काफ़ी बार पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम। और इसमें है एनीमिया और पांडुरोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है इसके स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और दूध, यानी मीट, लीवर और मिल्क, दूध। फॉलिक एसिड, इसको कहते हैं टेरोइल ग्लूटामिक। फॉलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, टेरोइल ग्लूटामिक। और इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग यानी डिसेंट्री होता है। इसके स्रोत क्या है, दाल, एकृत सब्जियां, अंडा और सेम। फॉलिक एसिड की कमी किससे पूरी होती है, दाल, एकृत सब्जियां, अंडा और सेम। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़े का फूलना। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। इसके स्रोत क्या है, नींबू, यानी जो सिट्रस फ्रूट है, रसदार फल है, वो विटामिन सी के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये क्या होते हैं, विटामिन सी के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और ये रिकेट्स होता है बच्चों में इसकी कमी से, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। और ऑस्टियो मलेशिया होता है वयस्क में एडल्ट में। ठीक है, और ये किसकी कमी से, ये इसके स्रोत क्या है, मछली, यकृत तेल, ओके, और दूध, अंडे। यकृत तेल यानी कि जो लीवर ऑयल होता है मछली का। ठीक है, तो वो क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और इसके स्रोत हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, ये हैं विटामिन ए के बेहतरीन और अच्छे स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन के। विटामिन के रासायनिक स्रोत हैं फिलोक्विनोस, फिलोक्विनोस। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और इसकी स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी ये उत्पन्न होता है एंड इंटेस्टाइन में भी ये बनता है विटामिन के। ठीक है, तो क्या है, ये हैं आपके विटामिन के जो भी स्रोत हैं। एक बार फिर से हम रासायनिक नाम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। ये है आपके विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, और विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 ये है आपका निकोटिनामाइड यानी यासिन। यहाँ पे फिर से मैं आपको क्या करता हूँ, एक एरो बना देता हूँ। ये है आपका B3 निकोटिनामाइड यानी यासिन, और B5 ये है आपका पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और आपका नेक्स्ट हम देख लेते हैं, B6 को पायरीडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बाइटिन, इसका रासायनिक नाम है, B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल को टेरोइल ग्लूटामिक कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया आपका, विटामिन ई टोकोफेरॉल हो गया, और विटामिन के फिलोक्विनेस होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है, वो विटामिन के होता है। और विटामिन डी हमारा क्या है, ये हमारे त्वचा में भी बनता है। ठीक है, विटामिन डी। और आपके ये इम्पॉर्टेंट रहे, और अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप पे चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका वीडियो भी बना दूंगा। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती रहेगी जब तक कि आपका UPSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम ना हो जाए। और जो आपके हमारे UPSC स्टाफ नर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी इन वीडियोस को देखते रहें कि सेम पैटर्न रहेगा आपका, जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य जागरूकता, और जो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट्स का है, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो की ज़रूरत नहीं, इसमें दोनों एप्लीकेंट्स के लिए सारा स्टडी मटेरियल है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि
और लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सब में आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे आप इसका लिंक सेंड कर सकते हैं और उन लोगों को भी ये चैनल से जुड़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।